hello everyone welcome or welcome back to my channel fab styles and i am back again with another video so today's video is again a haul video and this video is sponsored by amazon.in without doing any further ado let's get started today's video is again a haul video and as usually amazon.in videos banati who hi video hai. Aaj, this is again a short video and a collective video for beauty and fashion सो यू यू आर माइट बी थिंकिंग कि मैं मेरे जो हैज़ हैं इतने ज़्यादा ऑयली क्यों हैं येस दे आर बिकॉज मैंने यू you नो know, बहुत बहुत अच्छे से ऑइलिंग कर रखी है एंड मुझे आज वीडियो uh, बनाना था अर्जेंटली दैट्स वाई मैंने ये बना रही हूँ वीडियो इट्स परफेक्टली ओके सो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं एंड लेट मी रिमाइंड यू दैट एंड मीट लेट मी टेल्यू डेट अमेजन पे स्टार्ट हो चुकी है सेल आज से ही सो लेटमी टेल यू डेट अमेजन पे आज से हो चुकी आज से सेल सो लेट मी रिमाइंड यू कि अमेजन पे आज से स्टार्ट हो चुकी है सेल येस सो आज ट्वेंटी सिक्स से ट्वेंटी एट नवम्बर तक चलने वाली है अमेज़न मेगा फैशन सेल सो चलिए मैं आज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखा देती हूँ आपको सो वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ अ स्वेट शर्ट वो जो कि मैंने मंगाई है मेरे बेटे के लिए यू ऑलरेडी नो दैट मेरा uh, 4.3 uh, मेरा एक बेबी बॉय है उसके लिए मैंने मंगाया है स्वेट शर्ट सो मैं वो दिखा देती हूँ आपको मुझे रिसीव हुई थी इस तरीके की पैकेजिंग में आप देख सकते हैं एंड लाइट मीन जस्ट ओपन इट्स ये है स्वेट टी शर्ट आई वुड नॉट से शर्ट बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली टी शर्ट एंड ये बहुत अच्छे वाइब्रेंट ऑरेंज कलर में है इस तरीके के जो कलर्स हैं वो यू नो किड्स पर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड दिस इज़ फ्राम एंड मिनी टैट्यू आप देख सकते हैं एंड ये मैंने फाइव टू सिक्स ईयर्स के मेजरमेंट में मंगाई है फाइव टू सिक्स ईयर्स के बेबी के लिए मंगाया है या मैंने थोड़ा सा बड़ा मंगाया बिकॉज यू नो इसके आप इसके अंदर भी आप लेयरिंग करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होगा थोड़ा सा लूज़ रहेगा सो so, उसको कंफर्टेबल लगेगा पहनने में सो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नेक जो है वो राउंड नेक है आगे से एंड पीछे से आगे से बहुत अच्छा सा यहाँ पे रबर प्रिंट में आ, ये टाइगर बना हुआ है विच इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी एंड बहुत ज़्यादा डिसेंट और एलिगेंट लुक दे रहा है इस टी शर्ट को सर आप देख सकते हैं इस तरीके का प्रिंट है येलो वाइट एंड ब्लू के पैचेस पे बना हुआ है ये ब्लैक कलर से ये बहुत ज़्यादा यू नो बहुत वाइब्रेंट कलर यूज़ किए गए ऑलरेडी इसमें ऑरेंज जो इसका बेस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है बट उसके ऊपर ये जो इस तरीके का प्रिंट दिया गया दिस इज़ लुकिंग रियली कूल एंड ये रबर प्रिंट है सो तो इफ इन केस इफ़ यू आर यू नो परचेजिंग दिस दैन यू शुड कीप इन माइंड कि ये रबर प्रिंट है और इस पर आपको आयरनिंग बहुत संभल के करना पड़ेगा सो या दिस इज द थिंग एंड ये फुल स्लीव्स का है यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल स्लीवस हैं पीछे से ये बिल्कुल प्लेन है कोई भी प्रिंट नहीं है प्योर प्लेन है एंड सिमलर कलर में है एंड अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड एंड ये अराउंड मुझे 300 कुछ में पड़ा था सो so ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स के प्राइज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे ऑल्सो आपको ट्रायन्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे प्लस जो लिंक्स हैं बाइंग लिंक्स वो सारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पर माई हॉल स्टोर की एक सिंगल लिंक भी होगी तो वहाँ से आप जाके ये सारे प्रोडक्ट्स आपको एक ही लिंक पे दिख जाएंगे एंड अगर आपको परचेज़ करना है तो परचेज़ भी कर सकते हैं इफ़ इन केस अगर परचेज नहीं करना है सिर्फ आपको देखना है तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस ये थ्री फिफ्टी अराउंड में कुछ पड़ी थी मुझे यहाँ या, पे देख लेना प्राइस तो उस uh, उस प्राइस रेंज के हिसाब से दिस इज़ रियली कूल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड अभी तो और भी ज़्यादा कम हो गए होंगे प्राइस बिकॉज बिकॉज अभी मेगा फैशन सेल चल रहा है आज से सो so, अगर आप भी कुछ ऐसा विंटर विंटरवेयर या यू you नो know, विंटर विंटरवेयर अपने किड्स के लिए या खुद के लिए आ, लेने का सोच रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम आपको डेफिनेटली अभी परचेज करना चाहिए सेकेंड थिंग इज दिस दैट इज़ आई एम वेयरिंग ये मैंने मेरे लिए एक स्वेट टी शर्ट मंगाया है विच इज़ अ येलो इन कलर विच इज़ जो हल्दी वाला जो येलो होता है डार्क येलो दिस इज़ दैट कलर और बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर यू you नो know? इस तरीके के इस कलर में मेरे पास कोई भी स्वेटी शर्ट नहीं थी या स्वेटर नहीं था सो आई जस्ट थॉट के मैं इसको यू you नो know, मंगा के देखती हूँ सो so इसका भी ऑन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंड ये देख सकते हैं आप ये राउंड नेक में है ये प्योर राउंड नेक है आगे से एंड पीछे से बिल्कुल कवर कर रहा है ये इसमें आगे ये एम्ब्रॉयडरी सो यहाँ पे ये जो आपको थ्री लीव्स दिख रही हैं दीज आर नॉट द प्रिंट ये पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है एंड बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है एंड यह जो एम्ब्रॉयडरी है ये की गई है पेस्टल कलर से तो ये बहुत अच्छी लग रही है डार्क इसका बेस है येलो कलर एंड उस पर पे ये पेस्टल कलर के ब्लू ग्रीन एंड पिंक कलर्स के पेस्टल कलर से एम्ब्रॉयडरी की गई है तो ये बहुत ज़्यादा आ, अच्छा लग रहा है देखो एंड अगर स्लीव्स की बात करें तो ये फुल स्लीव्स हैं यहाँ पे इलास्टिकेटेड स्लीव्स हैं सो so, बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी इस तरीके का है ये एंड दिस इज रियली कूल बिल्कुल भी इसमें ठंड नहीं लग रही है बहुत अच्छा इसका फैब्रिक है एंड आप देख सकते हैं एंड ये अंदर से कुछ इस तरीके ए, के फैब्रिक है इसमें जो वुलन फैब्रिक होता है यू नो वार्म वाला वो फैब्रिक है इसके अंदर से तो ये बहुत ज़्यादा यू नो आपको वार्म प्रोवाइड कर रहा है बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है इफ़ इन केस अगर आप यू you नो know, कुछ अंदर आप एक केमिसोल डाल के आप सिर्फ ये स्वेट शर्ट पहन स्वेट टी शर्ट पहन सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो एनी और ये देखने में भी इतना अच्छा लगता है आप इसको घर में वेयर कर सकते हैं विंटर्स में या फिर आप बाहर जाना चाहते हैं इसको वेयर करके तो बाहर भी जा सकते हैं सो या दिस इज़ अ रियली रियली वेरी गुड प्रोडक्ट एंड ये अराउंड 500 कुछ में मिला था विच इज़ अगेन अ वेरी स्टील डील इस तरीके की क्वालिटी अगर आपको फाइव हंड्रेड रुपीज़ में मिल रही आई वुड से जस्ट ग्रैब इट सो इसके बाद मैंने दो प्रोडक्ट जो हैं वो ब्यूटी रेंज से मंगाए हैं एंड द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस दिस इज़ कॉम्पैक्ट पाउडर फॉर फ्राम फेसिस कैनडा एंड ये मैं इसलिए भी मंगाना चाहती थी बिकॉज इसके इंग्रीडियंट्स में शिया बटर भी है सो आई आई जस्ट यू नो थॉट कि मैं इसको uh, मंगा के देखती हूँ कि कैसा है ये बिकॉज मेरा जो स्किन टाइप है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है एंड विंटर्स में मैं कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ बिल्कुल अवॉइड करती हूँ कॉम्पैक्ट मैं सारे जो प्रोडक्ट्स लगाती हूँ वो भी सारे क्रीम प्रोडक्ट्स रहते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्राई है एंड इफ इन केस अगर मैं कॉम्पैक्ट uh, या पाउडर यूज़ करूँगी अपने फेस पर तो वो और उसे और ज़्यादा ड्राई कर देगा स्किन को दट्स व मैंने ये मंगाया है बिकॉज अभी यू नो वेडिंग सीजन भी है आपको कभी कभी टचअप करना पड़ता है यू you यूनो know, जो टी जोन है आपका उस पर टचअप करना पड़ता है सो so, मैंने उसके लिए ये कॉम्पैक्ट ऑर्डर किया है बिकॉज इट कंटेन्स शिया बटर एंड माइट बी इतना ज़्यादा ड्राई नहीं होगा जैसे और नॉर्मली कॉम्पैक्ट ड्राई होते हैं करते हैं आपकी स्किन को सो याद दिस इज द वन विच आई हैव ऑर्डर एंड इसको ओपन करके दिखा देती हूँ इसमें बहुत सुंदर सा आप देख सकते हैं मिरर इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर से आपको मिरर दिया गया है विच इज़ रियली गुड इन क्वालिटी एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा मेरी स्किन से लाइट uh, लग रहा है मुझे बट या yeah, ये थोड़ा सा येलो टोन पे है अगर आप येलो टोन में कुछ देख रहे हैं सो दिस इज़ द वन एंड आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा चीप भी था आई मीन फेसिस कैनेडा के नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी uh, वो ठीक ठीक मीडियम प्राइस में आते हैं बट ये मुझे काफ़ी चीप लगा था एंड दैट्स व मैंने इसको ऑर्डर कर करके देखा सो दिस इज़ रियली गुड एंड आप आप भी इसको अगर परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ अगेन अ ज्वेलरी पीस एंड मैं जितने भी हॉल्स करती हूँ सब में कुछ ना कुछ ज्वेलरी पीस रहता है बिकॉज आई जस्ट लव ज्वेलरी एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यू नो एमेज़न से कुछ मंगाऊँ और एक भी ज्वेलरी ना मंगाऊँ तो येस yes, ये मैंने ज्वेलरी पीस मंगाया है एंड लेट मी जस्ट ओपन एंड शो टू यू सो इस तरीके की पैकेजिंग पैकेजिंग में आया है एंड दिस इज फ्रॉम जावेरी पर्ल्स मैंने और मंगाया है रिंग्स का सेट है ये पे दो रिंग्स हैं इसमें आप देख सकते हैं एंड बोथ आप कुंदन रिंग्स में so, सो ये दोनों रिंग्स मैंने की हैं और ज्यादा ब्यूटिफुल रिंग्स हैं दिस इज द वन विच इज इन ग्रीन कलर यहाँ पे बीच में ग्रीन कलर का कुंदन दिया गया है एंड ये पूरा अम, वाइट कलर के कुंदन है विच इज़ रियली गुड एंड ये सेकेंड वाली रिंग में थोड़ा सा डिज़ाइन में डिफरेंस है एंड ये यहाँ पे भी कुंदन दिए गए हैं सेंटर में इसमें रेड कुंदन कुंदन है एंड ऑल ओवर वाइट कुंदन यहाँ पे दिए गए हैं टेस्ट हैं एक्चुअली सो इस ये वाली जो फर्स्ट वन रिंग है ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसकी इसकी स्पेशली इस वाली ग्रीन वाली रिंग की जो क्वालिटी है दिस इज़ अमेजिंग एंड मीनाकारी का भी थोड़ा सा वर्क इसमें दिया गया है एंड पीछे से आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी यू नो आ, पीछे से इसका बैक पोर्शन है ये बहुत अच्छे से आ, जो बोलते हैं जड़ाऊ काम किया गया है वो किया गया है इस पर सो ये बिल्कुल भी निकलेंगे नहीं कुंदन एंड जी ये जो मीनाकारी वर्क है ये बहुत अच्छे से स्टिकॉन है एंड ये पहनने के बाद भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है ये रिंग सो so ये बहुत अच्छे से जाएगी आपके एथनिक वेयर्स के साथ तो आप साड़ी पे सूट पे इसको आराम से वेयर कर सकते हैं लहंगास पे वेयर कर सकते हैं एंड ये मैंने इसलिए ऑर्डर किया बिकॉज अभी मुझे यू you नो know, बहुत सारी वेडिंग्स में वेडिंग्स अटेंड करनी है सो दैट्स वाई मैंने इसको ऑर्डर किया है एंड दिस इज़ रियल लुकिंग रियली अमेजिंग एंड ग्रीन कलर में स्पेशली मैंने इसको ऑर्डर किया है बिकॉज ग्रीन कलर अभी यू you नो know, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एंड ये सब पे चल जाएगा आपको दिस विल गो विद एवरी थिंग यह आप किसी भी कलर के आउटफिट के साथ इसको कैरी uh, कर सकते हैं एंड लुक एट दिस सेकेंड रिंग इज दिस ये भी बहुत uh, सुंदर है बट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर है इस वाले से सो so आप डेफिनेटली एंड ये मुझे यू नो कुछ ऑफर में मिली थी दोनों रिंग्स अराउंड थ्री हंड्रेड समथिंग में थी तो मैंने दोनों ऑर्डर कर दी थी सो so, यह yeah. so let's move on to the next and the last piece and the last product of this haul and मैने मंगाया है एक uh, wallpaper you could say और wall sticker मंगाया है मैने so ये अभी मैं इसको नहीं दिखा सकती हूँ अगर ये जब तक ये video live जाएगा अगर हुआ तो अगर मैंने स्टिक कर दिया होगा वॉल पे तो फिर मैं आपको वॉल का पिक्चर डाल दूँगी अदरवाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके का ये स्टिक ऑन होने के बाद लगेगा वॉल पे लगने के बाद लगेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगी जो इसकी ओरिजिनल पिक्चर दी गई हैं एमेज़न पर जो लोगों ने शेयर करी हैं इसको वॉल पर लगाने के बाद एंड अदरवाइज़ आप देख सकते हैं इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में बहुत अच्छे से रिसीव हुआ था मुझे ये इस तरीके एंड इस तरीके के स्टिकर्स हैं ये पूरा यू uh, नो you know, uh, पूरा एक साथ नहीं आता ये स्मॉल स्मॉल पार्ट में आता है ताकि आपको यू नो एक एक करके और स्टिक करना पड़ता है सो या सो सो इसको भी मैं वॉल पे लगाने के बाद इंस्टाग्राम uh, पे शेयर कर दूंगी इसका पिक्चर सो so, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यू शुड यू शुड डेफिनेटली फॉलो मी दैट सो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जस्ट गो दैट एंड फॉलो मी बिकॉज मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा यू नो एक्टिव रहती हूँ डेली के अपडेट्स डालती हूँ लाइफ स्टेटस डालती हूँ दैट्स इट फॉर टू डेज़ वीडियो सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे एक राइट बटन रेड बटन है उसको क्लिक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैन को दट इज टोटली फ्री एंड इट मीनस अ लॉट टू मी और उस के पास में एक बेलाइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जितने भी फीचर में वीडियोज़ आने वाले हैं वो सारे के सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सकें एंड एक भी वीडियो मिस ना हो So that's it guys, bye bye, meet you in the next video.